नमस्कार साथियों, बच्चों आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन पाठ। उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आप जानते हैं आपके शरीर में भी यदि गंदगी रह जाएगी तो आपको विभिन्न बीमारियों से बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आप जानते हैं उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी होती है। जैसे हमारे वर्टीब्री कालम के पास में ये एक जोड़ी किडनी होती है, ब्रक, जिसको ब्रक बोलते हैं, और ये एक ब्रक शिरा रहती है और एक ब्रक धमनी रहती है, जिसको अंग्रेजी में रीनल एओर्टा और रीनल वेंस कहा जाता है। और इसमें से किडनी ब्रक में से एक दो नली निकलती हैं, जिनको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, मूत्र नली होती है, और एक ये होता है भाग मूत्राशय, जैसे इस पिक्चर में भी ये दिख रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे शरीर में जब भोज्य पदार्थ को जब हम खा लेते हैं, पचने के बाद में जो प्रोटीन पच जाता है, पचने के बाद में अमोनिया बनाता है और अमीनो एसिड में बदलता है, और जब अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ तैयार होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, जो हमारे शरीर में मनुष्य के अंदर यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये मैंने बॉटल्स ली हैं और इस प्रकार से मैं इसको प्रेस करके बताती हूँ। ये देखिए, ये ब्लड जा रहा है किडनी में, फिल्ट्रेट होकर आता है और ये दूसरी मूत्र नली में निकल के छन जाता है। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये इसमें भी ये देखिए, ये यहाँ पर किडनी में छन रहा है और ये मूत्राशय में मूत्र भर गया है। भरने के बाद में ये बाहर शरीर से निकाल दिया जाएगा। यदि हम यूरिन को, मूत्र को बहुत देर तक हम मूत्राशय में रखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में रह सकते, जिसके दौरान वो हमको मूत्र से संबंधित कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आप जानते हैं कि पानी यदि हम कम पीते हैं तो हमें पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से ब्रक का उत्सर्जन तंत्र में हमें पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाए। अब ये देखिए एक एनिमेशन वीडियो है और इसके दौरान हम आपको बताते जाते हैं। यदि हम बार बार यूरिन को रोकते हैं तो उससे भी हमारे यूरिन मूत्राशय की बहुत सारी पेशियों में प्रेशर पड़ेगा, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया को जन्म मिलेगा और इससे मूत्राशय में नई प्रकार की बीमारी पैदा हो जाएगी।